छत्तीसगढ़ की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के मकसद से सीएम भूपेश बघेल सरकार ने श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है और सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों को निर्देश दिए कि डॉक्टर मरीजों की पर्ची पर जेनेरिक दवाएं लिखेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। प्रदेश के तमाम अस्पतालों के डॉक्टर मरीजों को महंगी और ब्रांडेड दवाएं लिख रहे हैं, जिसकी पड़ताल न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने की है। पेश है ये खास रिपोर्ट। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पड़ताल। बताएगी गरीबों का हाल। अस्पतालों के काले कुबेरों का चेहरा होगा बेनकाब। सीएम का ऑर्डर भी फेल। कैसे चल गया दवाई का खेल। प्रदेश की आम जनता को महंगी दवाइयों से निजात दिलाने और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के मकसद से छत्तीसगढ़ में शुरू की गई श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना को खुद प्रदेश के डॉक्टर ही ठेंगा दिखा रहे हैं। दवाई की कमाई के खेल में शामिल अस्पतालों के काले कुबेर जनता की जेब पर सरेआम डाका डाल रहे हैं। गरीबों के लिए संचालित हो रहे सरकारी योजनाओं को सरकारी अधिकारी ही पैरों तले कुचल रहे हैं। आलम यह है कि सरकारी योजनाओं के डॉक्टर पर्ची पर जेनेरिक दवाओं की जगह महंगी दवाइयां लिखकर आम जनता को लूट रहे हैं। लिहाजा न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने राज्य के तमाम अस्पतालों में पड़ताल की तो चौंकाने वाली खबर सामने आई। सबसे पहले हमारी टीम ने रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल का जायजा लिया तो हकीकत का पता चला। इस वक्त हम मौजूद हैं राज्य के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल यानी भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल मेकाहारा में। ये सामने आप तस्वीर देखिए, रेड क्रॉस का है और यहाँ पे जो है मरीज जो भटकने के लिए इसलिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि ये रेड क्रॉस में वही दवाइयाँ लिखी जाती हैं जो यहाँ पे उपलब्ध है और जो नहीं है उसके लिए मरीजों को बाहर जाना पड़ता है। कुछ मरीज उनके परिजन हमारे साथ हैं। आप कब से यहाँ हॉस्पिटल में इलाज कराने आए? सर मैं 13 अप्रैल से आ रही हूँ, जिसमें से मैंने अपनी मम्मी का इलाज करवाने के लिए बहुत सारे टेस्ट लिखे गए थे, जिसमें कुछ मेडिसिंस वगैरह भी लिखी गई थी जिसमें लेने के लिए कहा गया है क्योंकि टेस्ट। आज क्या क्या खरीदे यहाँ पे, कितनी दवाइयाँ मिली और पहले कितनी? मतलब कि 2-3 दवाइयाँ अंदर से मिली हैं, बाकी दो एक हैंड प्रोटेक्शन के लिए थंब में प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है और एक मेडिसिन जो है बाहर से यहाँ रेड क्रॉस मेडिकल से मैंने लिया है। अच्छा, इसमें से आपका देख रहे हैं 8-10 दवा है, इसमें से कौन कौन से मिली अभी? सर इसमें से मुझे ना 4 मतलब कि 3 टाइप्स की टैबलेट है, जिसमें मुझे तीनों मिल गई अंदर से और एक 4 मतलब 4 टैबलेट लिखी गई थी, इसमें 3 मिली और एक नहीं मिली है। अच्छा। और थंब प्रोटेक्शन के लिए बोला गया है जो मेडिकल से लेने के लिए कहा। अच्छा, गया। हमारी पड़ताल में सामने आया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी मेकाहारा के डॉक्टरों को सीएम के निर्देशों की कोई परवाह नहीं है और वहां खुलेआम पर्ची पर ब्रांडेड दवा लिखी जा रही है। अस्पताल के डॉक्टर पर्ची में 40-50% ब्रांडेड दवा लिख रहे हैं। डॉक्टरों की ओर से लिखी दवाएं न धन्वंतरी मेडिकल स्टोर में मिल रही हैं और न ही रेड क्रॉस में। हम ये जेनरिक दवा है स्टोर है जो मरीजों के सहूलियत के लिए खोला गया है, वहाँ पे हम मौजूद हैं। पहले हम मेडिकल स्टोर के इंचार्ज हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं दिन भर में कितनी पर्चियाँ आती होंगी यहाँ। 300 पर्ची आ जाती है लगभग। 300 पर्चियों में कितने ब्रांडेड लिखा रहता है और कितने नॉन ब्रांडेड लिखा होता है? 100 तो बाहर के लिखे रहते हैं, 200 जेनरिक के रहते हैं हमारे यहाँ। नहीं, जो पर्ची आती है मेकाहारा से, आप तो जेनरिक देते हैं लेकिन पर्ची में ब्रांडेड दवा लिखा रहती है? ब्रांडेड लिखी रहती है। तो जो हमारे जेनरिक में लगभग दवाइयाँ तो अवेलेबल है, जो बाहर के लिखे रहते हैं बट हम उनको बाहर ही भेजेंगे क्योंकि हमारे जेनरिक में अवेलेबल नहीं है। ब्रांडेड तो यहाँ रख नहीं सकते। और कितने जैसे ये मान के चलो एक मरीज के लिए 5 दवा लिखा है, उसमें कितने ब्रांडेड लिखी होती है? 3 तो हमारी जेनरिक रहती है बट 2 ब्रांडेड लिखी रहती है। ब्रांडेड ही कर देते हैं यानी माने 300 पर्ची है तो आप 150 को ही दे पाते हैं, 150 लोग खाली नहीं दे पाते हैं। हाँ जी, मैं बलौदा बाजार जिला और सरसिवा ग्राम का आया हूँ। अच्छा, क्या अभी क्या यहाँ पे क्यों भटक रहे हैं आप? यहाँ मुझे 2 टेबलेट जो है नहीं मिला है यहाँ। अच्छा, टेबलेट नहीं मिला। हाँ। कौन सा टेबलेट है जो इनको नहीं मिल रहा है? सर ये बाहर की जो दवाइयाँ लिखी हुई है जो हमारे अभी जेनरिक में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो ये ब्रांडेड दवाएं हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या जो नींद की दवाइयाँ जो है हमारे अभी जेनरिक में अवेलेबल नहीं हुई है। हाँ जी। मरीजों की माने तो सस्ती दवा रेड क्रॉस और धन्वंतरी मेडिकल स्टोर में मिलती है और महंगी दवाओं के लिए प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स का रुख करना पड़ता है।
ब्रांडेड दवाओं की कीमत ज्यादा होने की वजह से वो कई हफ्तों तक भटकते रहते हैं, फिर भी दवाएं उन्हें नसीब नहीं हो पाती। कुछ भी दवाई नहीं मिल रहे, यहाँ पे बोल रहे हैं कि बाहर से लेके आओ, यहाँ पे नहीं है, उपलब्ध नहीं है दवाई। अच्छा, कहाँ गए थे आप? वहाँ DKS के मेडिकल में, वहाँ पे भी बोले कि अंदर में नहीं मिलेगा, मेडिकल में मिलेगा। फिर बोले ये तो ज्यादा महंगा वाला है, यहाँ पे नहीं है, बाहर पता करो। बाहर कहाँ बोल रहे हैं? बाहर वाले मेडिकल में बोल रहे हैं, जैसे दुकानें लगे यहाँ लक्ष्मी मेडिकल में जाने बोल रहे हैं। कहीं भी जाओ, मतलब सामने तो वही मेडिकल है। कोई भी दवाई यहाँ तो 3-4 बार हो गया था, एक भी दवाई नहीं मिलते यहाँ पे, तो सारा बाहर से ही खरीद रहे हैं। 9 बजे से आए हुए सर, अब देख लीजिए टाइम। अच्छा, रेट वेट बता रहे हैं कितना? कुछ नहीं बता रहे हैं, बस बोले कि बाहर से खरीद लो। बस कौन बोलता है ये बाहर से? ये दुकान वाले तो अभी बोले हैं, डॉक्टर ने लिख के दे दिए है बस, और कुछ। समस्या जो है वो मूलभूत ये है कि जेनरिक यहाँ पे दवाइयाँ जो है अवेलेबल है, और वास्तविक में कल भी मैंने एक BP की दवाई ली थी तो 72% बकायदा डिस्काउंट मिला। गवर्नमेंट का प्रयास बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन चक्कर ये है कि जितने भी प्राइवेट डॉक्टर हैं उन लोग 90% नहीं 100% ब्रांडेड दवाई लिखते हैं। कुछ डॉक्टर तो ऐसे हैं जिनकी लिखी हुई दवाई सिर्फ उन्हीं के मेडिकल में मिलती है। मैं कल से भटक रहा हूँ, मैं दवाई लेने के लिए रेड क्रॉस में गया हूँ जो अस्पताल परिसर के अंदर में है, तो वहाँ मेरे को एक ही दवाई मिला है। कितने दवा लिखे थे आपको? तो एक ही दवाई मेरे को दवाई लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दवाई लिखा है। 6 दवाई में से 2 दवाई मेरे को अस्पताल में से मिला है, तो जहाँ मेरे को एक हफ्ता का दवाई लिखा है तो एक हफ्ता के दवाई में खांसी का जो सिराप है वो 2 दिन का दिया है, तो मैं बोला हूँ एक हफ्ते के लिए देने के लिए, तो बोला है एक। अच्छा, ये गोल गोल क्यों लगाए डॉक्टर, कहाँ खरीदने के लिए बोलिए? ये डॉक्टर ने नहीं लगाया, ये कंपाउंडर अस्पताल का जो मेडिसिन विभाग है वहाँ से जो कंपाउंडर है वो गोल निशान लगा के दिया है, बोले बाहर से ले लो। अच्छा, बाहर से ले लो, बाहर से ले लो बोले हैं। जब हमारी टीम ने मेकाहारा अस्पताल में अधीक्षक से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जेनेरिक दवा लिखने के लिए पहले से सर्कुलर जारी है, और इसके बाद भी डॉक्टर मरीजों की पर्ची में महंगी दवाएं लिख रही हैं तो इसकी जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में पहले भी हमारे ऑफिस से सर्कुलर जारी हो चुका है और मौखिक निर्देश भी हैं कि जेनेरिक दवाइयाँ ही प्रिस्क्राइब करें अपने लेटर हेड में, मतलब जो विभाग से वो दवाइयाँ लिखते हैं उसमें, और उसके अलावा और किसी भी तरह के ब्रांडेड दवाइयों के नाम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा पहले से सर्कुलर जारी हो चुका है। और इसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है तो उस पर कार्यवाही होगी निश्चित रूप से, चूँकि आपने ये मुझे भेजा है तो मैं उस पर ज़रूर कार्रवाई करूँगा, जिस विभाग से भी आया होगा उनसे जवाब लिया जाएगा। रायपुर के बाद हमारी टीम ने बिलासपुर का रुख किया तो पाया कि वहां भी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर मनमानी पर उतारू हैं, मरीजों को जेनेरिक की जगह ब्रांडेड दवाएं लिख रहे हैं। धनवंतरी स्टोर चलाने वाले कर्मचारी बताते हैं कि रोजाना पर्चियों में यही स्थिति रहती है, अधिकांश पर्चियों में ब्रांडेड दवाएं ही लिखी जाती हैं। ब्रांडेड दवाएं लिखने के कारण लोगों को सरकार की सस्ती दवा की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोगों का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि डॉक्टर ने पर्ची में क्या लिखा है। जेनेरिक दवा तो मुझे लिख के नहीं दी है, ये उनकी पर्ची है जो मैंने यहाँ दिखाया था, इसमें जेनेरिक दवा तो नहीं है, बिल्कुल लिखनी चाहिए। आज के महंगाई के दौर पे जब आम आदमी महंगी दवा अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं ले सकता, उसके लिए जेनेरिक दवा ही सबसे अच्छी है। और मेरे ख्याल से जेनेरिक दवा में वो सभी दवाइयाँ इंक्लूड होनी चाहिए जो आम छोटी छोटी इसके लिए बीमारियों के लिए भी उपयोग हो सके, लोग हर कोई महंगी दवा नहीं ले सकता। जैन दवा नहीं लिख के दिए हैं, ये ना वो आता ना ऊँचा अच्छी क्वालिटी का लिख के दिए। क्या लगता है आपको जेनेरिक दवाई पे डॉक्टर को लिखना चाहिए जैसे आपकी? लिखना चाहिए भी, वो तो सही है, उसमें बहुत फ़ायदा होता है, रेट भी कम पड़ता है और क्वालिटी जनता को फायदा पड़ेगा, उसमें आर्थिक स्थितियाँ ठीक रहेंगी। जी अभी लिखना तो स्टार्ट कर रहे हैं, पहले ब्रांड नेम लिखते थे, अब मेंशन कर रहे हैं डॉक्टर लोग बगल में कि क्या फार्मूला है, पहले ब्रांड नेम लिखते थे, अभी लिख रहे हैं। ज़्यादातर प्रिस्क्रिप्शन ऐसे आ रहे हैं? हाँ, ज़्यादातर प्रिस्क्रिप्शन अब जेनेरिक दवाओं का ही आ रहा है, बाकी अब धीरे धीरे अब जेनेरिक दवाओं का बढ़ रहा है, काउंटर बढ़ रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो सभी डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखने के निर्देश हैं। कई बार दवाएं न मिलने से अब पर्ची में दवाओं का फॉर्मूला लिखने को कहा गया है,
इसके बाद भी अगर कोई डॉक्टर महंगी दवाएं लिखता है तो जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। वैसे लिखते हैं सर लोग, और जिसका जिसका जेनरिक का ब्रांड, मतलब जेनरिक नहीं आता जिस प्रोडक्ट का, उसका ब्रांड भी लिखते हैं, ब्रांड प्लस जेनरिक दोनों लिखते हैं। ये शुरू से ही लिख रहे हैं या सीएम के आदेश से? नहीं, शुरू से वैसे लिखते आ रहे हैं, और अभी तो लगभग आज तो कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, लेकिन शुरू से लिखते आ रहे हैं, जेनरिक लिख रहे हैं। माध्यम से हमें शासन का पत्र प्राप्त हुआ कि जेनरिक दवाइयाँ ही लिखी जानी है अस्पताल में, और उस संबंध में हमने अस्पताल के सभी विभागाध्यक्षों को के माध्यम से यह पत्र प्रेषित किया है कि आप लोग सुनिश्चित करें कि विभाग में हर चिकित्सक जो कि ओपीडी अथवा आईपीडी में रहते हैं, ड्यूटी करते हैं, वो सभी के सभी सुनिश्चित करें कि जेनरिक दवाई ही लिखी जाए, और अगर ऐसा कहीं पाया जाता है, त्रुटि पाई जाती है, तो उसके हिसाब से कार्रवाई भी की जाएगी। करीब जो जेनरिक दवाएं हैं वो नहीं लिखते डॉक्टर से? अभी सर ये शुरुआत है, शुरुआत से हम प्रयासरत तो हैं, लेकिन अब चूँकि स्पष्ट आदेश भी है तो इसको और सुनिश्चित किया जाएगा, और अगर मान लीजिए कोई इस तरीके से घटना होती है तो कार्रवाई भी होगी सर उसके लिए। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बढ़ती जा रही लापरवाही की जमीनी हकीकत जानने न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने बिलासपुर के बाद जगदलपुर का रुख किया तो पाया कि मुख्यमंत्री के सख्त आदेश के बावजूद भी सरकारी अस्पतालों के ओपीडी में डॉक्टर महंगी दवाइयों के नाम लिख रहे हैं, जिसके चलते मरीजों को बाहर से महंगे दामों में इन दवाइयों को लेना पड़ रहा है। ये हाल जिले के महारानी अस्पताल और डिमरापाल अस्पताल का है। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय अस्पतालों को एक आदेश जारी किया था, जिसमें डॉक्टरों को जेनरिक मेडिसिन लिखने का आदेश था। आज हम महारानी हॉस्पिटल आए हैं इस बात को जानने कि जमीनी हकीकत क्या है, क्या डॉक्टर मेडिसिन जेनरिक मेडिसिन लिख रहे हैं या फिर वो फार्मूला लिख रहे हैं या ब्रांडेड दवाइयों का नाम लिख रहे हैं। अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच रहे मरीजों से बात करने के बाद सामने आया कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों के द्वारा जो दवाइयों के नाम पर्ची में लिखे जा रहे हैं वो अस्पताल में नहीं मिल रही हैं। बकायदा डॉक्टर भी बाहर से दवाइयां लेने के लिए कह रहे हैं, और जब बाहर से इन दवाइयों के बारे में पता किया जा रहा है तो इनके दाम काफी महंगे हैं, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। मरीजों का कहना है कि डॉक्टर पर्ची में ब्रांडेड कंपनी के दवाइयों के नाम लिख रहे हैं, जबकि उन्हें फॉर्मूला लिखने के निर्देश दिए गए हैं। ये बच्चे का सर्दी खांसी बुखार हो गया था ना, पहले बुखार 10-15 बुखार लग रहा था, तो बच्चों को दिखाए तो दवा वा सब लिख के दिए, तो फिर दवा सब मेडिकल से खरीद के लाए, उसी दवा से आज खून जांच पेशाब जांच करवाने के लिए आए थे हम लोग। कौन सा हॉस्पिटल में ये दवाई लिखा गया है? महारानी में लिखा दवाई कहाँ से लिए आप? रॉयल मेडिकल से लिए हैं। बाकी यहाँ पर रेड क्रॉस और जेनरिक मेडिकल जो है वहाँ नहीं मिला? नहीं। कितना महंगा पड़ा आपको दवाई? 400 पड़ेगा। 400 जी। ये महारानी हॉस्पिटल से ही लिखा गया है। तो अभी आप खरीदे हो, कितने में खरीदे हो? मेरे को एक निःशुल्क मिला है, जबकि एक खरीदना पड़ा जो 100 रुपीज़ लिया गया है। हाँ, ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, जबकि ये जेनेरिक है दवाई, जेनेरिक मिलना चाहिए, जबकि हमको ब्रांड से खरीदना पड़ रहा है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमको निःशुल्क मिलना चाहिए हॉस्पिटल से। डॉक्टर को ब्रांडेड का नाम नहीं लिखना चाहिए, जबकि ये जेनेरिक औषधियाँ हैं, इसे निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए। जैसे अधिकतर पर्चियों में ब्रांडेड दवाइयों के नाम लिखे रहती है, और जो नॉर्मल कंपोजिशन होते हैं जैसे पीसीएम हो गया, एमवीआई हो गई, इस टाइप की दवाइयों पे वो कंपोजिशन लिखा होता है, लेकिन जैसे जो बड़ी दवाइयाँ होती है, महंगी दवाई होती है, अधिकतर उसमें ब्रांडेड नाम लिखा रहता है। और आप जेनरिक की अगर बात करें, जब तक डॉक्टर खुद विश्वास नहीं करेंगे जेनरिक के ऊपर, तो जनता कैसे विश्वास करेगी? आप डॉक्टर्स खुद नहीं लिखना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हमको तो जो लिखा रहेगा वही देंगे। अच्छा, वो मजबूरी बन जाता है कि जो नाम लिखा हुआ है वही देंगे हम, और उसी पे जनता भी भरोसा करती है। उसी पे जनता भरोसा करती है, जो डॉक्टर लिखा है वही पे, उसी पे विश्वास करते हैं सब। बहरहाल छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को आम आदमी की पहुंच तक लाने और जनता को राहत देने के लिए जिस योजना की शुरुआत की, उसे खुद ही सरकारी अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है धरती के इन भगवानों पर नकेल कसने की, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।
तो देखा आपने सरकार के आदेश को दरकिनार कर जो डॉक्टर हैं शासकीय डॉक्टर वो मेडिसिन को ब्रांडेड मेडिसिन लिख रहे हैं, ना ही पर्ची में दवाइयों का फॉर्मूला लिखा जा रहा है ताकि जेनरिक मेडिसिन मिल सके। लोग पहुंच रहे हैं और महंगी दवाइयों खरीदने को मजबूर हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इस ओर पहल करती है या फिर जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग इस पे क्या कार्रवाई करता है। आशुतोष तिवारी, News24, बस्तर। तो छत्तीसगढ़ में क्या कुछ स्थिति है जेनरिक दवाइयों को लेकर जानने की कोशिश करेंगे। सहयोगी जगदलपुर से जुड़ चुके हैं, आशुतोष जुड़ चुके हैं, रायपुर सत्यराजपुर जुड़े हैं और बिलासपुर से वीरेंद्र हमारे साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। पहले आशुतोष का रुख करेंगे। आशुतोष, जगदलपुर में क्या कुछ स्थिति है जेनरिक दवाइयों को लेकर, क्या वहां भी मरीजों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके से जेनरिक मेडिसिन का भूपेश बघेल ने ये आदेश दिया था कि सभी शासकीय अस्पतालों में डॉक्टरों के द्वारा जेनरिक मेडिसिन लिखा जाएगा, ये मेरे हाथ में पर्ची है और ये बच्चे का दवाई लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कोई भी दवाई अस्पताल में नहीं मौजूद है, ना ही अस्पताल में मिला है। हमारे साथ अंकल जी मौजूद है। अंकल, ये क्या मतलब, जो दवाई लिखा हुआ है ये आपको यहाँ से नहीं मिला? नहीं मिला हम लोग को, बिल्कुल नहीं मिला। ना कोई डॉक्टर ठीक से बैठते हैं, ना देखते हैं पेशेंट को, 10 से 5 बजे बोलते हैं डॉक्टर लोग, कोई नहीं रहते हैं ठीक से अपने सीट में, ना अल्ट्रासाउंड, ना सोनोग्राफी, ये सब भी होता है, सबको बाहर भेज दिया जाता है। और प्राइवेट के साथ जो ताल्लुकात, 300-500 रुपया डॉक्टर फीस दे के हम लोग किस हिसाब से दिखाएंगे गरीब आदमी के लिए? गरीब आदमी के लिए हर योजना बना, लेकिन गरीब आदमी के पास कोई चीज़ नहीं पहुंचता है समय पे, हर चीज़ का भुखमरी टाइप का हो चुका है। ये आप पर्ची लेकर गए तो क्या बोले अंदर? ये बोले कि अभी दवाई नहीं है, आप लोगों को बाहर से खरीदना, और मैडम जो है बोले हैं कि बाहर खरीदने के लिए। अच्छा, मेडिकल का नाम भी बताए हैं क्या, कहाँ खरीदना है? नहीं, मेडिकल का नाम तो उनका तो रहता ही है, लेकिन वो बताते नहीं, उजागर करते नहीं, हर मेडिसिन दुकान से उनका ताल्लुका, हर अल्ट्रासाउंड एक्सरे सब में उनका जो है कमीशन रहता ही चाहिए डॉक्टर लोगों का। क्या लगता है ये कितने की दवाई होगी, इतने सारी दवाई जो लिखा हुआ है? ये होगा 200-300 या 500 हज़ार भी हो सकता है, जो कि ये फ्री में मिलनी चाहिए, फ्री में मिलना चाहिए। ठीक है आशुतोष, हम आपके पास में रायपुर चलेंगे, सत्या राजपूत से भी जरा हकीकत जान लेते हैं। सत्या, रायपुर में क्या कुछ स्थिति है, क्या जेनरिक दवाइयों को लेकर वहां भी दिक्कतों का सामना मरीजों को करना पड़ रहा है, क्या वहां पर भी मोटे दाम दवाइयों के लेकर भुगतने पड़ रहा है मरीजों के परिजनों को? बिल्कुल, यहाँ मरीज के जो परिजन है वो चक्कर काटने को मजबूर है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में प्रावधान होता है कि जो डॉक्टर पर्ची लिखे वो हॉस्पिटल में ही मिल जाए, लेकिन वहाँ पे अगर नहीं मिलता है तो इसके लिए वैकल्पिक तौर पे परिसर में जो रेड क्रॉस है, उसके बाद जो है अब धनवंतरी योजना जो राज्य सरकार जोर शोर से चाह रही है कि जो गरीब मरीज है वो उनको सस्ती दर पर दवा मिल जाए और इलाज के अभाव में किसी की मौत ना हो। लेकिन यहाँ पर जो सरकारी जो डॉक्टर्स हैं, जो अधिकारी हैं, वही इस जो योजना पे है, इस जो मंशा पे है पानी फेर रहे हैं। जैसे कि हमने टीवी स्क्रीन में दिखाया, हमने पूरे ओपीडी के दौरान जो है मरीजों से बात की, उनके परिजनों से बात की, मेडिकल स्टोर वालों से बात की थी, उसमें स्पष्ट सबने कहा था कि यहाँ पे जो है ब्रांडेड दवा लिखी जा रही है, जबकि सरकार जेनरिक की ओर फोकस कर रही है। और सीएम जो है भूपेश बघेल हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि जो यहाँ पे जेनरिक दवा नहीं लिखेंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ रेड क्रॉस के प्रभारी भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि यहाँ पे आपको कितने प्रतिशत दिन में पर्ची में ब्रांडेड दवा मिलती है? 50-60% में ही जेनरिक दवाई लिखा जाता है, बाकी पर्चियों में सिर्फ ब्रांडेड दवा ही लिखा जाता है। उसके विकल्प में आप लोग कैसे करते हैं? हमारे पास जो ब्रांडेड दवा का विकल्प होता है जेनरिक में उपलब्ध होता है, हम कोशिश करते हैं कि उनको दवाई मिल जाए, और जो ब्रांडेड और हमारे पास जो नहीं रहता है हम उसको नहीं दे पाते हैं। अच्छा, जाहिर सी बात, आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, एक फार्मासिस्ट हैं, रेड क्रॉस के प्रभारी हैं, तो आपको अंदाजा होगा ब्रांडेड दवा जो लिखते हैं उसका रेट कितना रहता होगा, गरीब आदमी अफोर्ड कर पाते हैं उसको? नहीं, बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि जो दवाइयाँ 20 रुपये में गरीब को मिल सकता है वो दवाइयाँ उनको 300 रुपये मार्केट में खर्चा करना पड़ता है, तो इससे अनावश्यक रूप से उनको आर्थिक बोझ पड़ता है। जो सरकार खुद चाह रही है कि जेनरिक दवा को प्रमोट किया जाए और सरकार का निर्देश भी है, तो ऐसे में सभी डॉक्टरों को साथ देना चाहिए कि जेनरिक दवा ही लिखा जाए। मतलब अभी रेड क्रॉस से सिर्फ 50% सुविधा मिल रहा है, 50-60% सुविधा मिल पा रहा है, पर्ची जो दे रहे हैं उसके मुताबिक? जी, पर्ची के साथ। यहाँ पे धनवंतरी योजना के जो है फार्मासिस्ट हमारे साथ मौजूद है, और धनवंतरी मेडिकल जो है यहाँ पे वो संचालित करते हैं। आपके यहाँ दिन भर में कितनी पर्चियाँ आती है ये मेडिकल कॉलेज मेडिकल से मेकाहारा से? आती है 200-250-300 तक के भी आ जाती है, बट बीच बीच में कभी कम ज्यादा होता है। अच्छा, उस पर्ची में कितने प्रतिशत रहता है ब्रांडेड दवाएं? जैसे अगर हम बोले तो ऐसा
बहुत सारे डॉक्टर तो हैं, लिखते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, सॉल्ट वाइज भी लिखते हैं, मल्टीविटामिन है कुछ है ऐसा, MBBC इस टाइप से। प्रतिशत क्या जाता है, जैसे कि हमने कल पड़ताल में वहाँ निकाले, हाँ, तो वो कितना जाता है? लगभग ये समझ लीजिए 150 करीब पर्ची होती हैं उसमें, जो 200-300 पर्ची में समझ लो, मतलब 50% के आसपास। कुछ डॉक्टर हैं जो लिख रहे हैं, कुछ हैं जो नहीं लिख रहे हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि उसमें तो पूरे डॉक्टर को हम नहीं कह सकते कि टोटली लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी पर्ची आती है। पब्लिक है ब्रांडेड और जेनरिक में, पब्लिक को ब्रांडेड और जेनरिक में ज़्यादा पता नहीं होता, जब आपके पास जाते हैं आप दवा नहीं देते, उनका रिएक्शन कैसे होता है? रिएक्शन तो सर देखो, अब इस टाइम में जब कोई कोई मेडिसिन नहीं मिलती, कोई चीज़ प्रॉपर नहीं मिल पाती, एकदम ज़्यादा। ठीक है सत्य, आऊँगा आपके पास, वीरेंद्र का रुख करेंगे, बिलासपुर में काफ़ी स्थिति है वो भी जान लेते हैं। वीरेंद्र, बिलासपुर में भी क्या मरीजों को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जेनरिक दवाइयाँ ना देकर क्या ब्रांडेड दवाइयाँ लिखी जा रही वहाँ पर भी? दवाइयाँ लिखी जाती हैं, सर्दी खांसी और बुखार जैसे छोटी यदि आपकी तकलीफ है तो जेनरिक दवा लिख दी जाती है, उसके बाद यदि आपको एंटीबायोटिक कोई चाहिए तो फिर ब्रांडेड में आ जाते हैं डॉक्टर, और इसी वजह से जो डॉक्टर दवा लिखते हैं वो आधी दवा तो MRD में या फिर हम सिंध के रेड क्रॉस मेडिकल स्टोर में या फिर इसके ठीक सामने धनवंतरी मेडिकल स्टोर है वहां पर दवाएं उपलब्ध होती है, लेकिन जो बाकी दवा है जो महंगी दवा है वो इसके ठीक बाहर, इस परिसर के ठीक बाहर जो प्राइवेट मेडिकल शॉप है वहां पर मिलती है, और वो दवाएं काफी महंगी होती है। जब OPD शुरू होती है सुबह 9 बजे से 2 बजे तक, तब ऐसी दिक्कतें काफी आती है और जो मरीज है उनको काफी पैसे लुटाने पड़ते हैं। हालांकि इस बारे में जो आदेश है उसका परिपालन कराने के लिए सिंस ये कहता है, सिंस प्रबंधन कह रहा है कि उसका परिपालन कराने के लिए उन्होंने आदेश जरूर दिए हैं, लेकिन अब तक इसका परिपालन नहीं हो पा रहा है, और कई डॉक्टर अभी भी जो ब्रांडेड दवा है वो लिख रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ में श्रीचंद सुंदरानी जुड़ चुके हैं, BJP के नेता। सर स्वागत है आपका News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सुंदरानी साहब, छत्तीसगढ़ में जेनरिक दवाइयाँ डॉक्टरों के द्वारा नहीं लिखी जा रही है, ब्रांडेड दवाइयाँ लिखी जा रही है, मरीज खासा परेशान है, विपक्ष में आप हैं? नहीं, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के आदेश को डॉक्टरों ने रद्दी के टोकरी में डाल दिया है, कोई डॉक्टर जेनरिक दवाइयां लिख नहीं रहा है कहीं पे भी मरीजों को, और फिर जेनरिक दवाइयों में एक और सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, जिस दवाई की कीमत 15 रुपए है उस दवाई की MRP 150 रुपया है, तो ऐसे में तो उपभोक्ता ठगे भी जा रहे हैं। इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जेनरिक दवाओं पे MRP जो हो वो बहुत प्रॉफिट के साथ जोड़ के, बहुत मिनिमम प्रॉफिट जोड़ के उसका होना चाहिए, लेकिन जेनरिक दवाइयां डॉक्टर नहीं लिख रहे, इससे साफ है कि मुख्यमंत्री के आदेश की अब कोई परवाह नहीं कर रहा है। ठीक है, राकेश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, कांग्रेस के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। सर स्वागत है आपका News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जो तस्वीर सामने आई है जेनरिक दवाइयां ना लिखे जाने को लेकर, ब्रांडेड दवाइयां लिखी जा रही है छत्तीसगढ़ में, कई तरह की शिकायतें ऐसी मरीजों के साथ में सामने आई है, हमने अभी बाइटें भी सुनवाई है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंशा क्या है। मंशा ये है कि सभी मरीजों को कम मुनाफे के मार्जिन वाली जेनरिक दवाइयां मिले, ताकि उनके दवाइयों का खर्चा ब्रांडेड के हिसाब के मुकाबले कम से कम हो, ये एक मंशा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि परिपाटी ये रही है कि चिकित्सक ब्रांडेड दवाइयां लिखते हैं, जबकि निर्देश मेडिकल काउंसिल और नेशनल मेडिकल कमीशन का, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, और जो एथिक्स कमेटी होती है डॉक्टर्स की। ठीक है राकेश जी, आऊंगा हमारे साथ में, हमारे साथ छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव खुद जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जेनरिक दवाइयां छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों के द्वारा नहीं लिखी जा रही है, ब्रांडेड दवाइयां लिखी जा रही है, CM के आदेश की अवहेलना हो रही है साहब? ये शुरू से ही व्यवस्था बनी हुई है जी, अभी CM साहब ने फिर से उसके तरफ डॉक्टर का भी ध्यान, विभाग का भी ध्यान आकर्षित किया है, और जो दवाइयां सरकार की तरफ से मिलती है वो सारी जेनरिक होती है, गवर्नमेंट के तरफ से निशुल्क दवाई मिलती है और वो सारी जेनरिक होती है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसका मिश्रण हो और वो जेनरिक मैन्युफैक्चर ना होता हो तो बात अलग है, वरना CGMSE के माध्यम से जितनी खरीदी होती है वो जेनरिक मेडिसिन की ही होती है, और पेशेंट को निशुल्क वो दवाई मिलती है। बिल्कुल निशुल्क मिलती है, मैं सहमत हूँ इस बात से, लेकिन लिखी नहीं जा रही है, प्रिस्क्रिप्टेड नहीं की जा रही है जी, दिक्कतें रहती है व्यवहारिक दुनिया में, कई प्रकार की दिक्कतें आती है, और इसमें पेशेंट के जेब से खर्चा नहीं होना चाहिए। दो चीजें हैं, एक जेनरिक दवाइयां
इसी कारण से जेनरिक दवाई अगर स्टॉक में नहीं है और मार्केट से आपको लेना पड़ा तत्काल उपचार के लिए, तो वो खर्चा सरकार की तरफ से होना चाहिए, ना कि पेशेंट की तरफ से। ये व्यवस्थाएं हैं, ये सारी बातों को ध्यान में रख के कड़े निर्देश भी जारी हुए हैं और सीएम साहब ने भी इसमें पहल की है, वो जनहित में ठीक है जी। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार पड़ताल कर रहा है और एक रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है। हमारी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि मुझे लगता है कि 10 में से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 10 में से 5 दवाइयां जो हैं वो ब्रांडेड लिखी जा रही है, 5 जनरिक दी जा रही है और उस 5 का दवाइयों का कीमत का जो भुगतान है वो मरीजों को अपनी जेब से करना पड़ रहा है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारण से ब्रांडेड दवाई देने की आवश्यकता पड़ी, एक तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि जेनरिक दवाइयां भी पूरी तरह से कारगर होती हैं, तो ये हम लोग विभाग की तरफ से भी देखेंगे कि इसमें कड़ाई हो। दूसरा, अगर वो ब्रांडेड दवाई ले रहे हैं तो सरकार की तरफ से उसका पेमेंट होना चाहिए। 10% दवाइयों की जो राशि होती है वो सीएमएचओ उसके लिए और मेडिकल कॉलेजेस में और ज्यादा प्रतिशत राशि जो दवाई के लिए उपलब्ध होती है वो सारे मेडिकल कॉलेजेस में मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास उपलब्ध रहती है। तो पैसा नहीं है ऐसी बात नहीं रहती, अगर व्यवस्था में किसी कारण से वो निशुल्क दवा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो उसमें जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी। छत्तीसगढ़ के कुछ नामी कहा गया था कि दवाइयों को आपको लिखना है तो कैपिटल लेटर्स में लिखिए, तो हाथ का लेखन पढ़ने में नहीं आता अक्सर, कई लिखनी है, कुछ तो बहुत सुंदर साफ होती है, कुछ जिसको हम लोग घसीटा कहते हैं वो नहीं पढ़ने में आती, तो इसीलिए ये भी डायरेक्शंस दिए हुए हैं और उसको हम लोग दोहराएंगे कि जो भी दवाई आप देख रहे दे रहे हैं वो कैपिटल लेटर्स में उसको लिखिए। छत्तीसगढ़ के कुछ नामी अस्पतालों के नाम सामने आए हैं जिनके द्वारा, बड़े डॉक्टरों के द्वारा जेनरिक दवाइयां ना लिखकर ब्रांडेड दवाइयां लिखी जा रही हैं, इस बात की प्रमाण है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास। जी मैंने देखा था आपका ट्वीट भी था, सोशल मीडिया में भी एक रिपोर्ट आई थी जी, उसको मैंने विभाग प्रमुख को भेज भी दिया था इसको जांच कर लें और जांच करके ऐसे कड़े निर्देश रहने चाहिए कि जेनरिक दवाइयां, एक जो मैंने आपको पहले कहा कि जेनरिक दवाइयां अमूमन मुझे जो बताया गया है सिंगल मॉलिक्यूल की होती है, कई दवाइयों को सुविधाजनक उपचार के लिए मल्टी मॉलिक्यूल की दवाइयां जैसे 2-3-4 मॉलिक्यूल एक ही दवाई में है तो वो दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है और यहां पर फिर जेनरिक से हटके और मार्केट से जो नॉन जेनरिक दवाइयां हैं उनके उपयोग की बात सामने आती है, तो ये रोकना होगा, प्रशासनिक मामला है, हम लोगों की जिम्मेदारी है और इसमें हम लोग पहल करें। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की भूमिका क्या कुछ है इसमें, इस पड़ताल में इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? ये जिम्मेदाराना है, ऐसे ही सहयोग, ऐसे ही नजर मीडिया को रखनी चाहिए जी, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए जी। कई चीजें हैं, इतना बड़ा हमला है, एक एक अस्पताल में जाके हम लोग भी नजदीक से नहीं देख पाते, लेकिन अगर हमारे साथ मीडिया भी चौकन्ना होके साथ दे रहा है, नागरिक है वो हम लोगों को रिपोर्ट दें कि ये देखें हमको जो प्रिस्क्रिप्शन मिला है इसमें नॉन जेनरिक दवाई दी है, तो अवश्य कार्रवाई होगी जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ में, बहुत शुक्रिया। और सुधांश जी के पास चलेंगे, सुधांश जी चूंकि तस्वीर सामने बिल्कुल आ चुकी है, स्वास्थ्य मंत्री खुद अभी बातचीत कर रहे थे, बता रहे थे कि कार्रवाई हम करेंगे, लेकिन विपक्ष में आप है, कार्रवाई कब तक होगी? क्योंकि अभी दो दिन पहले सोमवार को सीएम साहब ने खुद समीक्षा बैठक में निर्देश दिए थे। नहीं, ये अभी मैं माननीय बाबा साहब को सुन रहा था, स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रदेश के, वो सरकारी अस्पतालों तक की बात कर रहे थे जी। लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है वो सारे, चाहे प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल हो या शासकीय अस्पताल हो, सभी के लिए निर्देश था। अगर उनकी मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों में उड़ाई जा रही है, तो वो पालन होना चाहिए। आज बहुत बड़ा बोझ
एक मरीज के ऊपर दवाइयों का होता है और जिसमें ज्यादा मुनाफा हो, ज्यादा महंगी दवाइयां हो, वही लिख के दी जा रही है, जिससे मरीज बहुत परेशान है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी जिस प्रकार से आपका न्यूज 24 चैनल इसमें जागरूकता के लिए आगे आया है, भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता इसमें निश्चित रूप से जागरूकता के लिए आगे आएंगे और मुख्यमंत्री जी के आदेश का कितना पालन हो रहा है इस पे भी निगाह रखे हुए हैं। लेकिन अभी तक देखने में आया कि मुख्यमंत्री के आदेश को सभी ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदानी साहब बातचीत करने के लिए। राकेश गुप्ता जी आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। सत्या राजपूत रायपुर से आपका बहुत शुक्रिया। वृद गवई बिलासपुर आपका बहुत शुक्रिया। आशुतोष आपका बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, खबर को विस्तार से बताने के लिए। तो इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हमने देखने की कोशिश की, पड़ताल की और ये बताने की कोशिश की दर्शकों को, सरकार से भी हमने बातचीत की और इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में जेनरिक दवाइयों के नाम पर ब्रांडेड दवाइयाँ लिखी जा रही है, महंगी महंगी दवाइयाँ मरीजों को लिखी जा रही है और उसका भुगतान मरीजों को करना पड़ रहा है, एक बड़ा बोझ उन पर आ रहा है।